Hello everyone, we are again today class we talk about a static host route, right? First we understand routing table कैसे काम करता है. Where first routing table check करता है आपका longest prefix length match और subnet mask match. So this means guys, like let's assume ये आपका एक किसी भी device का routing table है, चाहे वो आपके router का है चाहे वो आपकी end machine का. तो अगर मेरे पास एक राउट पड़ा है राउटिंग टेबल में एस एस मीन स्टैटिक और 192.168.0.0/16 और एडी वैल्यू मेरी 1 है और मैट्रिक मेरी 0 और जो नेक्स्ट टॉप आईपी है विच इज 1234 और मेरे पास एक और स्टैटिक रूट पड़ा है 192.168.1.0/24 और इसकी एडी वैल्यू क्या है 10 और नेक्स्ट टॉप आईपी मेरा क्या है 4567. तो इस केस में गाइस अगर लेट्स से इसके पास एक पैकेट आया और उस पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी है व्हिच इज 192.168.1.1 तो जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग का बिहेवियर क्या है वो डेस्टिनेशन आईपी देखती है राउटिंग टेबल में है और उस नेक्स्ट टॉप की तरफ क्या ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देती है. तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये इस सबनेट में भी आ रहा है और इस सबनेट में भी आ रहा है. हाउ जो फर्स्ट रूट है गाइस इसकी एडी वैल्यू क्या 1 है और जो सेकंड रूट है इसकी एडी वैल्यू क्या 10. बट बिफोर एडी वैल्यू गाइस राउटिंग टेबल पहले चेक करता है जो एंट्री है वो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क किस राउट एंट्री से मैच हो रहा है. तो इस केस में अगर ये डेस्टिनेशन आईपी यानी कि इस तरफ देखो आपके पहले 24 बिट मैच हो रहे हैं और इधर ओनली 16 मैच हो रहे हैं तो इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आपका इस तरफ जाएगा इवन दो इसकी एडी वैल्यू क्या हायर. तो राउटिंग टेबल में गाइस आपका जो लुकअप होगा पहले वो देखेंगे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच. दैट इज व्हाई जो डिफॉल्ट रूल होता है गाइस इसका लुकअप बिल्कुल लास्ट में होता है आपका राउटिंग टेबल. दिस इज द लेस स्पेसिफिक राउट गाइस. देन वो चेक करता है एडी वैल्यू. अगर दो रूट है तो लाइक इन द प्रीवियस वीडियो जब हम स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग कर रहे थे दोनों की एंट्री सेम थी और मतलब प्रीफिक्स लेंथ सेम थी और उस केस में जिसकी एडी वैल्यू लोअर होगी वही मैं राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करूंगा क्योंकि राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या होते हैं आपके बेस्ट रूट होते हैं. देन गाइस यूज होता है आपका मैट्रिक. मैट्रिक लाइक अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हो देन गाइस आपका मैट्रिक यूज होता है आपका. ओके तो इस चीज की गाइस लाइक अगर इफ यू सी लाइक इन द बिलो डायग्राम इस राउटर के ऊपर मैंने स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग कर रखी है तो लाइक इस राउटर के ऊपर ये आपका रूट पॉइंटेड है ISP1 की तरफ एडी वैल्यू लोअर के साथ और सेकंड मेरा डिफॉल्ट रूट पॉइंटेड है विद हायर एडी वैल्यू. तो दिस मींस गाइस अगर ये यहां आते कोई मशीन मेरा डेस्टिनेशन A.A. को एक्सेस करेगी तो इस राउटर का डिफॉल्ट पॉइंटेड है इस राउटर की तरफ हेडक्वार्टर राउटर की तरफ और हेडक्वार्टर राउटर का जो डिफॉल्ट पॉइंटेड है ISP1 की. तो ये आपका ट्रैफिक ऐसे जाएगा. बट इन केस गाइस अगर मैं इस राउटर पे एक होस्ट रूट डिफाइन कर देता हूँ तो होस्ट रूट बेसिकली लाइक अगर मैं इस राउटर पे डिफाइन करता हूँ आईपी राउट A.A. और यहाँ पे गाइज दिस इज /32 और नेक्स्ट हो पॉइंट कर रहा हूं मैं किसकी तरफ ISP2 की तरफ. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जब इस लैन में अगर स्पेसिफिक अगर इस डेस्टिनेशन के लिए यानी कि स्पेसिफिक सिंगल आईपी के लिए जब एक अब इस ब्रांच राउटर जब ट्रैफिक भेजेगा इसके ऊपर डिफॉल्ट रूट से मैच करेगा ये जाएगा आपका ट्रैफिक हेडक्वार्टर राउटर की तरफ और हेडक्वार्टर राउटर पे गाइज आपने स्पेसिफिक रूट दे दिया तो सिर्फ स्पेसिफिक इसी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक इस तरफ जाएगा वो भी मैं डिफॉल्ट रूट को चेक नहीं करूंगा क्योंकि डिफॉल्ट रूट से पहले मेरे पास क्या है मोर स्पेसिफिक रूट है. हाउएवर जो रेस्ट ऑफ आपका इंटरनेट का ट्रैफिक है वो आपका ISP1 से जाए. तो अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है स्पेसिफिक एक डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आपको ISP2 की तरफ भेजना है तो उस केस में गाइस आप होस्ट राउटिंग भी कर सकते हैं. ओके तो इन दिस डायग्राम गाइस आई शो यू लाइक मेरे पास दो ISP हैं और ऑब्वियसली अगर इसका राउटिंग टेबल चेक करो
तो जो आपका रेड आईएसपी है यानी कि आईएसपी वन, वो आपका क्या प्राइमरी आईएसपी है। फर्स्ट शो इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास दो डिफॉल्ट रूट है, एक एक डिफॉल्ट रूट है विद द डिफॉल्ट एडी वैल्यू व्हिच इज वन, और एक मेरे पास डिफॉल्ट रूट है उसकी तरफ आईएसपी टू की तरफ, ग्रीन आईएसपी की तरफ एडी वैल्यू 10 के साथ। तो इस केस में गाइस अगर आप ए डॉट ए डॉट को पिन करोगे तो अभी आपका ट्रैफिक इसकी तरफ जाएगा 1.1.1 की तरफ। नेक्स्ट है गाइस, अगर मैं डिफॉल्ट यानी कि एक होस्ट राउट एंट्री करता हूँ, मेन जो आप गाइस राउटिंग कर रहे हो, आप आईपी राउट स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो, यहाँ पे अगर मैं 8.8.8.255.255.255, दिस इज द होस्ट राउट ओके /32, और नेक्स्ट हॉप पॉइंट मैं किसको कर रहा हूँ, आईएसपी 2 को। तो इस केस में गाइस लाइक राइट बेसिकली क्या गाइस, आपकी कॉन्फ़िगरेशन, आपकी जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो टेम्परेरी मेमोरी में सेव होते हैं आपकी। अगर आपको परमानेंट यानी कि स्टार्टअप कंफिग में कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है तो मैं राइट कमांड भी यूज कर सकता हूँ, और आई विल यूज कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप। दोनों कमांड का सेम ही पर्पज है बेसिकली, क्या जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनवी रैम यानी कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आपकी सेव हो जाएगी। ओके, तो इस केस में गाइस अगर आप टेस्टिंग कर रहे थे, अगर मैं पिंग करके देखता हूँ तो पिंग मेरा अगर जो ट्रैफिक है गाइस मेरा पिंग हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका लाइक आईएसपी 2 पे गया और यहाँ पे गाइस लाइक डीबग आईपी आईसीएमपी, तो बेसिकली दिस डीबग मैसेज विल शो यू, मतलब भी मैं इस राउटर पे भी मैं रिप्लाई भेज रहा हूँ, तो जो एक्को रिप्लाई है वो आपका आईएसपी 2 भेज रहा है। तो ये रीजन क्या है, ये राउटर जो आपका बेंगलोर का राउटर है, ये ट्रैफिक है ये आईएसपी 2 की तरफ भेज रहा है, क्योंकि अब इसके राउटिंग टेबल में गाइस मेरे पास क्या है, अब 8.8.8 के लिए स्पेसिफिक रूट है। सो दिस मीन्स स्पेसिफिक 8.8.8 के लिए यानी कि इस डेस्टिनेशन के लिए इस मशीन का ट्रैफिक आईएसपी 2 से जाएगा, बट जो रेस्ट ऑफ ट्रैफिक है गाइस वो आपका आईएसपी 1 से जाएगा, रेस्ट ऑफ जो आपका इंटरनेट का ट्रैफिक। ओके, तो ये आपका लाइक बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आपको मूव करना पड़ सकता है तो उस केस में गाइस आप ये होस्ट राउटिंग भी यूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।